नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप चल रहा है और सब कुछ थम सा गया है और सबसे बड़ी निराशा खेल प्रेमियों की हुई है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े आयोजन यानी ओलंपिक तक के आयोजन रद्द हो गए हैं। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी निराशा तब हुई जब IPL को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब क्रिकेट की गतिविधियां दुनिया में शुरू होने लगी है। और आप सबको पता होना चाहिए इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच टेस्ट मैच भी शुरू हो चुका है। तो भारत में अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट नहीं खेली जा रही है, लेकिन लोकल स्तर में गांव में टूर्नामेंट होने लगे हैं और इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। इसमें पूरी सुरक्षा बरती जा रही है। मैं सुजानगढ़ तहसील के भोजलाई गाँव का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर युवाओं के द्वारा एक शानदार क्रिकेट का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे छोटे गाँव की टीमों को बुलाया गया है और विशेष सावधानी बरती जा रही है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना का प्रकोप है उस क्षेत्र की टीमों को इन्वाइट नहीं किया गया है। जैसे लाडनू की कोई टीम को इसमें नहीं लिया गया है, क्योंकि लाडनू क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप ज़्यादा चल रहा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मैं इस समय मैदान का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन मैच शुरू होने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या सावधानी बरती जा रही है और किस तरह का पिच बनाया गया है। भोजलाई गाँव का क्रिकेट मैदान आप देख रहे हैं, रेतीले टिब्बों से ढका हुआ खूबसूरत मैदान है और मैदान के चारों तरफ हरे भरे वृक्ष लगाए गए हैं। यहाँ के LDC भवनलाल जी के द्वारा ये कार्य किया गया है, जो कि पर्यावरण प्रेमी है। आप देख सकते हैं मैदान के चारों तरफ वृक्ष हैं, जो निश्चित रूप से जब बड़े हो जाएंगे तो बहुत खूबसूरती प्रदान करेंगे पूरे मैदान को। मैदान के चारों तरफ सैकड़ों वृक्ष लगाए गए हैं। ग्रामीण परिवेश के सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं मैदान पर। ये देखिए, जो बिना मास्क आएंगे उनको यहाँ पर मास्क प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक खिलाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा। गेंद बल्ले को प्रत्येक ओवर के बाद में सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था की गई है, यानी एक सुरक्षित क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है, ये मैसेज दिया जा रहा है आज। मैं आपको ग्राम भोजलाई का दृश्य दिखा रहा हूं, कोरोना के प्रकोप में किस तरह से क्रिकेट का आयोजन हो रहा है ये आपको दिखा रहा हूं, कितनी सावधानी बरती जा रही है। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप एक्सरसाइज करें, आप खेलें ग्रामीण स्तर पर, लेकिन सावधानी पूरी बरतें, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज बना नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बनाए और सावधानी ही इसका इलाज है। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के जो अतिथिगण हैं, वो भोजलाई के सरपंच हैं करणी सिंह जी, उसके अलावा बोबा सर सरपंच जी मौजूद है, पूर्व सरपंच सवाई सिंह जी मौजूद है, सरपंच साहब मौजूद है, दोनों टीमें यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि जिस तरह का आयोजन है, इसमें न तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले हैं, न एक दूसरे को गले लगाने वाले हैं, कोई यहाँ पर चीयर्स नहीं मनाया जाता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस सबसे ज़रूरी है जो यहाँ पर निभाया जाएगा। और फिलहाल फीता काटकर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जा रहा है ग्राम भोजलाई में। फीता काटकर उद्घाटन किया जा रहा है सरपंच करणी सिंह जी के द्वारा। सर, आप देखते हैं कि खेल आयोजन में अतिथिगण हैं, वो खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हाथ मिलाने की परंपरा खत्म हो चुकी है। नमस्कार करके खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी जा रही है दोनों टीमों को अतिथियों के द्वारा। ये देखिए, शुभकामनाएं दी जा रही है दोनों टीमों के खिलाड़ियों को। सारंग सिंह 11 की टीम को शुभकामनाएं दी जा रही है अतिथियों के द्वारा। सभी सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। ये बोबा सर की टीम है। भोजलाई गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए, पहले बल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद अतिथि को उद्घाटन करने के लिए दिया जा रहा है। ये देखिए, गेंद को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बोबा सर सरपंच आनंद सिंह जी गेंद करके उद्घाटन कर रहे हैं, रुको एक बार। और भोजलाई सरपंच करणी सिंह जी गेंद खेलकर उद्घाटन कर रहे हैं। अतिथियों के द्वारा प्रतियोगिता का उद्घाटन कर दिया गया है। टॉस अब हो रहा है। सबसे बड़ी चीज आपने देखी कि जब अतिथियों ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया तो बल्ले को पहले सैनिटाइज किया गया, गेंद को सैनिटाइज किया गया, जिस सिक्कों को उछला जा रहा है उस सिक्कों को भी सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप खेलें, खेल बहुत जरूरी है, लेकिन सावधानी बरतें। फिलहाल आप देख रहे हैं अब टॉस किया जा रहा है, सरपंच जो है भोजलाई के वो सिक्का उछाल कर टॉस करवा रहे हैं करणी सिंह जी। सारंग सर के उमेद और बोबा सर के चांद सिंह
सिक्का उछाला जा रहा है, चांद सिंह कॉल करेंगे, हेड कॉल किया गया है और हेड आया है और टॉस बोबासर के कप्तान ने जीता है। क्या करना चाहेंगे? टॉस जीत के पहले बैटिंग करने के निर्णय लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियां शुरू हुई है और निश्चित रूप से मैं बोबासर के सरपंच साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ है करणी सिंह जी, उनसे बातचीत करूँगा। करणी सिंह जी, क्या लोगों से निवेदन करेंगे? कोरोना का प्रकोप चल रहा है और आज गाँव में एक प्रतियोगिता पूरी सावधानी के साथ शुरू की गई है। देखिए, खेल खेलना चाहिए, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास होता है और बच्चों की वृद्धि भी होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना महामारी चल रही है इसके तहत हम लोगों को सावधानी रखनी है, सचेत रहना है और सोशल डिस्टेंस की पालन करनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात संक्षिप्त में कहती है कि हमें सावधान रखनी है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। मैं आपको बता दूं कि खेलने से जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, खेलना बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज करें, खेलें, लेकिन सावधान रहें, भीड़ में नहीं जाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। फिलहाल प्रतियोगिता का उद्घाटन हो चुका है और अब खेल शुरू होने वाला है। मैं आपको पुनः बता दूं कि सारंगसर और बोबासर के बीच में मैच खेला जा रहा है जिसमें बोबासर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। किसी भी खेल में मैदान बहुत मायने रखता है और क्रिकेट में विकेट यानी पिच का बहुत महत्व रहता है। हालांकि ये एक सीमेंटेड विकेट है क्योंकि टेनिस बॉल में आपको टर्फ विकेट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये सीमेंटेड होने के कारण काफ़ी फ्लैट है, अच्छा बनाया हुआ है और यहाँ पर रन बनने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि बिल्कुल गेंद समानांतर आती है, यहाँ पर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा उछाल या स्पिन वाली बात नहीं रहती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज के मैच में जो कि 12 ओवर का मुकाबला है अच्छे रन बन सकते हैं। हालाँकि गेंद जब नहीं होती है तो रोए रहते हैं टेनिस बॉल पर, उसमें थोड़ी धीमी आती है, लेकिन रवा होने के बाद में गेंद सीमेंट विकेट पर बहुत तेजी से निकलती है और क्रिकेट देखने का बहुत मजा आता है टेनिस बॉल में। और आज वो 12 ओवर का एक शानदार मुकाबला हम आपको दिखाएंगे जिसमें मैं आपको बता दूं कि सारंगसर और बोबासर के बीच में खेला जा रहा है। बोबासर के कप्तान ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। मैच के दोनों एम्पायर नोरंग बुगालिया और गुरुदत्त पहुंच चुके हैं। देखिए, एम्पायर के हाथ में सैनिटाइजर की एक बोतल है क्योंकि प्रत्येक ओवर के बाद गेंद को सैनिटाइज किया जाएगा। नए बल्लेबाज जब आएगा तो बैट उसको सैनिटाइज करके दिया जाएगा, ये विशेष सावधानी है कोरोना के दौरान खेल में। गेंदबाज को गेंद देने से पहले उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में सुरेंद्र सिंह आए हैं स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं देवेंद्र सिंह। आक्रमण की शुरुआत करेंगे अशोक, सारंगसर की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। मैच की पहली गेंद के साथ अशोक स्वामी गेंद लेकर आ रहे हैं। ये पहली गेंद और घूम के मारना चाहते थे, वहां पर केस लपकने का प्रयास लेकिन गेंद शरीर से टकरा के गई थी। अगली गेंद, ओ बहुत अच्छी गेंद थी, यहाँ पर चूके ऑफ स्टंप के बाहर निकलती, बैकफुट पे खेलना चाहते थे चूके पूरी तरह से। अशोक एक बार फिर आए गेंद की और इस बार निकाल दिया गेंद को स्क्वेयर लेग की तरफ, लेकिन स्क्वेयर लेग एम्पायर के पास गेंद को फील्ड किया गया, थोड़ा मिसफील्ड हुआ लेकिन एक रन से संतुष्ट, रनों का सिलसिला शुरू हुआ, पहला रन बना यहाँ पर बोबासर का। अशोक एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए। अगली गेंद, ड्राइव कर दिया गेंद को, हवा में थी गेंद वहां पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन आसानी से पूरा किया गया। स्कोर पहुंचा 2 रन, पहला ओवर चल रहा है सारंगसर और बोबासर के बीच। अगली गेंद और उछाल दिया गेंद को, शॉर्ट पिच गेंद थी, इस पर लेग सिमारे का के बाहर गेंद जा रही है और ये एम्पायर का इशारा छक्के का, एम्पायर ने छक्के का इशारा किया है तो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और छक्का लगाया बल्लेबाज ने, स्कोर पहुँचा 8 रन। अगली गेंद और इस बार फिर से बैकफुट पे आके खेलना चाहते थे चूंकि शरीर पे टकराई गेंद, इसी के साथ पहला ओवर खत्म हुआ, स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। खत्म होने के बाद गेंद को सैनिटाइज किया जा रहा है एम्पायर के द्वारा। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं लंबे कद के गेंदबाज उमेश, कप्तान है सारंगसर के। दूसरा ओवर लेकर उमेश आ रहे हैं सारंगसर के कप्तान उमेश, आए गेंद की और हवा में उछाल दिया गेंद को, कोई फील्डर वहां पर नहीं है और गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं, देखते रोक पाते नहीं, गेंद ठीक सीमा रेखा के पास रोकी गई, दौड़कर 2 रन पूरे किए गए, 2 अंक का स्कोर पहुंचा 10 रन। सारंगसर के कप्तान उमेश गेंदबाजी करते हुए, पारी का दूसरा ओवर, आई गेंद की बहुत अच्छी गेंद थी, शानदार गेंद थी, पेड़ पे टकराई जाकर, तेज गति की गेंद। ग्राम भोजलाई में बालाजी कप का
उद्घाटन मैच है। अगली गेंद और बल्ले का किनारा लिया, गेंद थर्ड मैन की तरफ गई, तेज गति से एक रन पूरा करते हुए सीधा थ्रो लगा और थ्रो हुआ है, यहाँ पर दूसरा रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं और यहाँ पर ओवर थ्रो भी हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। इस तरह से बिना बल्ले से छक्का लग गया है, यहाँ पर छः रन मिले हैं कुल। गेंद बाउंड्री के बाहर छः रन के लिए नहीं गई लेकिन ओवर थ्रो के चलते 2+4 यानी 6 रन मिले। स्कोर पहुंचा 16। उमेश एक बार फिर चले गेंद करने के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर का। अगली गेंद बल्ले का फिर से बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है थर्ड विन की तरफ, तेज कदमों से एक रन पूरा किया। उमेश एक बार फिर आए गेंद की और घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, कोई फील्डर नहीं, गेंद जारी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। उमेश काफी महंगे पड़ रहे हैं, स्कोर जा पहुंचा 22 रन। जैसे मैं पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि सीमेंटेड विकेट है, रन काफी बनेंगे और 22 रन बन चुके हैं दूसरे ओवर में। कप्तान उमेश एक बार फिर चले गेंद करने के लिए, आई गेंद की ड्राइव किया, उछाल दिया, गेंद जारी है लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पर पहुंच रहे हैं और शानदार कैच, पहला विकेट गिरा। सुरेंद्र सिंह का आउट होकर जा रहे हैं और बल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। नया बैट्समैन क्रीज पे आए हैं, नए बल्लेबाज दीपचंद मोइल आए हैं और गेंद करेंगे दीपचंद को अशोक। पहला विकेट 21 पे गिरा है। नयूर की पहली गेंद, खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, लेकिन बाउंड्री लाइन पर रोक लिया गया है गेंद को। अपने आप गेंद रुक गई थी बाउंड्री के पास। अशोक की अगली गेंद दीपचंद को और घुमा दिया गेंद को, उसको लेंगे एम्पायर की तरफ, एक रन दौड़कर पूरा करते हुए ओवर थ्रो हुआ लेकिन रन नहीं मिलेगा। अगली गेंद, ओ बहुत ही करारा शॉट, गेंद जा रही है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए, एम्पायर का छक्के का इशारा एम्पायर का। अगली गेंद, बहुत ही शानदार शॉट, एक बार फिर हवा में गेंद जा रही है 6 रन के लिए। दीपचंद बहुत आक्रामक स्ट्रोक लगा रहे हैं, 2 छक्के लगा चुके हैं। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार उछाल लेती हुई गेंद, कंधे की ऊंचाई तक उठी, चुके खेलने के प्रयास में। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 36 रन। हर ओवर के बाद गेंद को सैनिटाइज किया जा रहा है। तान उमेश फिर से आ रहे हैं गेंदबाज जी के लिए। यह गेंद बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से चुके, गुड लेंथ गेंद थी, कमर की ऊंचाई तक उछाल लेती हुई, उछाल से चकमा खा गए। इस बार धर्मेंद्र सामना करेंगे उमेश की गेंद का, बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी, तेज गति की गेंद, लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चूके बल्लेबाज। दीपचंद सामना करेंगे उमेश की गेंद का, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लिया और ये रन आउट का पूरा खतरा है यहाँ पर, लेकिन पहुंच गए। शोर में काफी अच्छी गेंदबाजी उमेश कर रहे हैं, कप्तान है सारंग सर के। अगली गेंद, बहुत ही करारा प्रहार, 6 रन के लिए गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। धर्मेंद्र बहुत आक्रामक बल्लेबाज हैं, 3 छक्के लगा चुके हैं अब तक। उमेश की अगली गेंद धर्मेंद्र को, बोल्ड कर दिया, इस बार शानदार गेंदबाजी, धर्मेंद्र क्लीन बोल्ड बाय उमेश। ये देखिए सैनिटाइज करवाया जा रहा है बल्ले को। इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी उमेश कर रहे हैं। नए बल्लेबाज बाबूलाल के लिए उमेश की गेंद, उठा दिया गेंद, हवा में जा रही है, फील्डर नहीं पहुंच पाए गेंद तक और ये दूसरा रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं। मिसफील्ड हुआ था, 2 रन पूरे किए गए। 4 ओवर के बाद स्कोर है 45 रन, 1 विकेट के नुकसान, 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, बाजी करने के लिए आ रहे हैं भीष्म, बिस मारेंगे गेंद करने के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल करना चाहते थे, चुके बल्लेबाज ने हुक करने का प्रयास किया था, चुके। बिस्म की अगली गेंद, ओ बल्ले का किनारा लगा था लेकिन कैरी नहीं किया था, गेंद विकेट कीपर तक नहीं पहुंची थी, अच्छी गेंदबाजी। बोबासर का स्कोर है 45, 4 ओवर की समाप्ति के बाद, 5वां ओवर चल रहा है, 12 ओवर का मुकाबला। बिस्म की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर थी, ओवर पिच गेंद थी, चूके। इस बबार 12 ओवर का मुकाबला है, लगातार 3 डॉट बॉल फेंकी, अच्छी गेंदबाजी करते हुए भीष्म
अगली गेंद, वो एक और डॉट बॉल, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, बल्लेबाज को पूरी तरह से अंकुश लगा रखी है गेंदबाज ने। दीपचंद बेबस नजर आ रहे हैं, फिर चुके ऑफ स्टंप के बाहर, और इस बार वाइड का इशारा एम्पायर का। एक बार फिर दीपचंद को, बहुत अच्छी गेंद, नीची रहती हुई गेंद बल्ले के निचले से लगी, यहाँ पर रनआउट करने का प्रयास। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं बीच में यहाँ पर, हालांकि एक वाइड जरूर डाली उन्होंने। बहुत शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन गेंद, और ओवर समाप्त हुआ जिसमें केवल एक वाइड का रन मिला था। पांच ओवर के बाद 46 रन बने हैं, पिछले ओवर में केवल एक वाइड का रन मिला था। राधे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, राधे ने ओवर की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ घूम के मारने का प्रयास, वाइड का इशारा, लेग स्टंप के बाहर थी। थोड़ा अजीबोगरीब एक्शन है गेंदबाजी का। राधे श्याम गेंद करेंगे बाबूलाल को, ड्राइव किया गेंद को, लोंगोन क्षेत्र में गेंद जा रही है, दो दो फील्डर आ रहे हैं गेंद को फील्ड करने, ये मिसफील्ड हुआ फिर से, और ये दूसरा रन मिसफील्ड के चलते मिला। राधे श्याम चले गेंद करने के लिए बाबूलाल को, आई गेंद की शॉर्ट पिच गेंद, उछाल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर जाकर गिरी 6 रन के लिए, और छक्के का इशारा। स्कोर 50 को पार कर चुका है। राधे श्याम की अगली गेंद, और उठा दिया फिर हवा में, इस बार गेंद जा रही है फील्डर गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं, शानदार कैच वहां पर, आउट। बाबूलाल आउट होकर जा रहे हैं। नए बल्लेबाज क्रीज पर, ये देखिए सैनिटाइज किया जा रहा है। हनुमत सिंह आए हैं कप्तान टीम के, और ये हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, शानदार कैच। एक और बल्लेबाज आउट, ये बल्लेबाज आनंद सिंह आए हैं जो कि सरपंच हैं बोबा सर के, लेकिन स्ट्राइक पे हैं हनुमंत सिंह। वैसे वॉलीबॉल के राष्ट्रीय प्लेयर हैं। राधे श्याम गेंद की, बहुत अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, सही वक्त पर बल्ले को लागते हुए गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेल दिया। राधे श्याम एक बार फिर आए गेंद की, ड्राइव किया गेंद को, बहुत अच्छा स्ट्रोक, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। रेतीले टिब्बों के बीच ग्राम भोजलाई का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर इस खूबसूरत मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच खेला जा रहा है सारंगसर और बोबासर के बीच, और बोबासर बल्लेबाजी कर रहे हैं टॉस जीतकर। स्कोर है 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विश्व आ रहे हैं गेंद करने के लिए, आनंद सिंह को गेंद करेंगे, बहुत सुंदर शॉट, शेड ड्राइव गेंद ठीक सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए, दो दो फील्डर को चीरती हुई, बहुत सुंदर शॉट। बोबा सर सरपंच है आनंद सिंह, बहुत सुंदर शॉट था ये, खूबसूरती के साथ खेला गया, सचिन तेंदुलकर स्टाइल में स्ट्रेट ड्राइव किया था आनंद सिंह ने, शानदार बैटिंग। बिस्म की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, मोड़ दिया गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, मिड विकेट से फील्डर आ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए, 1 रन पूरा किया गया। स्कोर जा पहुंचा 64 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से चुके ड्राइव करने के प्रयास में हनुमंत सिंह, बहुत सुंदर गांव है, सती जी का प्रसिद्ध मंदिर है यहां पर। भीष्म आ रहे हैं गेंद करने के लिए हनुमंत सिंह को, और निकाल दिया गेंद को स्क्वायर लेग पर, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन पहुंच गए। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन नो बॉल का इशारा किया एम्पायर ने, और स्टेपिंग क्या था, ये फ्री हिट का इशारा एम्पायर का, फ्री हिट है यहाँ पर, और उछाल दिया है हवा में गेंद, कोई खतरा नहीं आउट होने का वैसे भी, और दौड़कर दूसरा रन पूरा कर रहे हैं। 8वां ओवर चल रहा है, स्कोर है 68। 7वां ओवर है, माफी चाहता हूँ, 7वां ओवर चल रहा है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ड्राइव किया लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर, ये मिसफील्ड हुआ। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 69 रन।
सुजानगढ़ तहसील के बोबासर गांव का दृश्य आपको दिखा रहा हूं। बालाजी कप क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच खेला जा रहा है सारंगसर और बोबासर के बीच। बोबासर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस समय स्कोर है 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी लगभग 10 का औसत चल रहा है और अब 5 ओवर का खेल बाकी है। निश्चित लग रहा है कि यहाँ पर बोबासर 3 अंकों में पहुंचेगी और अगर निश्चित रूप से 100-125 रन का स्कोर बनता है तो एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूरी तरह से बैटिंग विकेट है क्योंकि सीमेंटेड है, फ्लैट विकेट है जहाँ पर गेंद बहुत अच्छे से बल्ले पर आ रही है और काफ़ी छक्के भी यहाँ पर लगे हैं। कुल मिला के कोरोना के प्रकोप में सोशल डिस्टेंस और सावधानी का पालन करते हुए एक शानदार क्रिकेट का आयोजन हुआ है जिसमें युवाओं को अपने क्रिकेट का जोर दिखाने का अवसर मिल रहा है और अब ड्रिंक्स के बाद पुनः खेल शुरू होने वाला है। पारी का 8वां ओवर शुरू होने वाला है। राधे श्याम मारे गेंद करने के लिए ऑफ स्टंप के बाहर चुके इस बार खेलने के प्रयास में। आनंद सिंह बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन इस बार चुके खेलने के प्रयास में। राधे की अगली गेंद, आनंद सिंह को निकाल दिया गेंद, मिड विकेट की तरफ जा रही है। दो दो फील्डर आ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए। शानदार फील्डिंग वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग और ये रनआउट का पूरा खतरा। दोनों बल्लेबाज एक छोर पर आ गए हैं और ये रनआउट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से। हनुमंत सिंह रनआउट होकर जा रहे हैं, आराम से 2 रन मिल सकते थे, बड़ी चूक हुई। कप्तान चांद सिंह आए हैं और बल्ले को सैनिटाइज किया गया। राधे श्याम अच्छी गेंद, राधे श्याम आई गेंद की कान सिंह हो चुके इलेक्शन के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। स्कोर पहुंचा 71, 8 ओवर चल रहा है। राधे श्याम की अगली गेंद और कट कर दिया गेंद को, स्लिप और गली के बीच से गेंद जा रही, फिल्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत खूबसूरती के साथ स्टीयर किया था, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, सूझबूझ से गेंद को दिशा दे दी थी थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए। अगली गेंद राधे श्याम की, बहुत अच्छी गेंद चुके खेलने के प्रयास में इस बार। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद चुके, गेंदबाज आ रहे भागीर सिंह, परिवर्तन किया गया गेंदबाजी में। भागीर सिंह गेंद करेंगे आनंद सिंह को और निकाल दिया गेंद को, इस पहले एम्पायर की बगल से गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ, वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिलेगा केवल। स्कोर पहुंचा 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर। भागीर सिंह गेंद करेंगे, सामना करेंगे कान सिंह, आई गेंद की ड्राइव किया गेंद को, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद। स्कोर है 77 5 विकेट के नुकसान पर। आनंद सिंह सामना करेंगे, बागी सिंह की गेंद लेग स्टंप के बाहर फ्लिक कर दिया है, स्क्वेयर लेग की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया। स्कोर है 78 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, ओ बल्ले का बारी किनारा लिया, आउट इसी के साथ। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कॉट बिहाइंड विकेट कीपर के द्वारा लपका गया। कप्तान कान सिंह जा रहे हैं आउट होकर, बनवारी आए हैं खेलने के लिए, उनके बल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। अगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, ठीक से नहीं आई, कवर्स में गई है गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग लेकिन 1 रन बना लिया। बागीर सिंह की अगली गेंद, बल्ले का जोरदार प्रहार, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ लेकिन वहां पर नहीं रोक पाए गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर पहुंचा 83 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर के समाप्ति पे स्कोर है 83 रन 3 अंकों में आराम से स्कोर जा रहा है। 10वां ओवर शुरू हो रहा है। राधे की अगली गेंद और पुल कर दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ, फील्डर के बीच से 4 रन के लिए। कमजोर गेंद डाली, शॉर्ट पिच गेंद थी, पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने, चौका लगाया। लाजी कप का उद्घाटन मुकाबला सारंगसर और बोबासर के बीच खेला जा रहा है और पारी का इस समय 10वां ओवर चल रहा है। राधे श्याम आई गेंद की बनवारी को और इस बार ग्लांस कर दिया, गेंद जारी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, खराब गेंद थी लेग स्टंप पर। स्कोर पहुंचा 91 रन बड़ा स्कोर बन रहा है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार चूके खेलने के प्रयास में। राधे श्याम बनवारी को आई गेंद की चूके इस बार, बहुत अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ टर्न होती हुई गेंद। स्कोर है 91 10वां ओवर चल रहा है। राधे श्याम बनवारी को
और इस बार गली की तरफ स्टेयर कर दिया गया इनको, और ये रन आउट आसान सा, खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, एक और विकेट गिरा। बनवारी ने आया राम गया राम की कहावत को चरितार्थ किया, अभी भी आए थे आउट होकर जा रहे रन आउट होकर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है राम स्वरूप जो खेलने के लिए आए हैं। श्रीलंका में खेल चुके हैं भारतीय टीम की तरफ से, और बल्ले का किनारा लेकर गेंद आ रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन के लिए। पता खुला राम स्वरूप ने चौका लगाकर आते ही पहली गेंद पर। इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 95 रन 7 विकेट के नुकसान पर। माफी चाहता हूँ, 8 विकेट गिर चुके हैं, 2 विकेट बाकी हैं, 2 ओवर बाकी हैं। बिस्मा रहे हैं अपना आखिरी ओवर को टेका लेकर। आई गेंद की ड्राइव किया गेंद को, लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही गेंद, दो दो फील्डर आ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए, अच्छी फील्डिंग वहां पर। भीष्म की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, और जब तक गेंद मिड ओवर फील्ड की जाए, एक रन आसानी से पूरा किया। भारी का 11वां ओवर चल रहा है इस समय। भीष्म गेंद करेंगे आनंद सिंह को, आई गेंद की बहुत अच्छी गेंद चुके, शानदार गेंदबाजी, नीचे रह गई थी इस बार गेंद। भीष्म गेंद करेंगे आनंद सिंह को, बहुत शानदार शॉट, दो दो फील्डर के बीच से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए, खूबसूरत शॉट, स्ट्रेट ड्राइव। सिंह बहुत खूबसूरत खेलते हैं, 2 चौके स्ट्रेट में लगा चुके हैं सचिन तेंदुलकर अंदाज में, स्ट्रेट बल्ले के सारे 2 चौके लगाए इन्होंने, और फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं दिया। 100 रन पूरे हो चुके हैं, 102 रन बन चुके हैं, और चुके इस बार अच्छी गेंदबाजी, 102 रन स्कोर हैं, लास्ट सेकेंड ओवर चल रहा है। भीष्म और सामना करेंगे आनंद सिंह, 11वां ओवर चल रहा है। आई गेंद की शॉर्ट ऑफ लेंथ, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज पहले आगे आ गए थे और चतुराई का परिचय दे गेंदबाज ने, गेंद को शॉर्ट रख दिया और खेलने का कोई मौका नहीं दिया आनंद सिंह को। ओवर समाप्त हुआ, 11 ओवर समाप्त, 11 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 102 रन, देखते हैं आखिरी ओवर में कितने रन बनते हैं। राम स्वरूप सामना करेंगे भागीत की गेंद का, आई गेंद की नीचे रहती हुई अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को खेलने का, शानदार गेंदबाजी आखिरी ओवर में। भागीत सिंह की अगली गेंद और कट कर दिया, थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे, देखते रुक पाने गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए, स्कोर 106 रन, आखिरी ओवर चल रहा है। अगली गेंद, बल्ले का निचला हिस्सा लिया, इनसाइड एज लगकर गेंद, जब तक विकेट कीपर फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया गया, स्कोर जा पहुंचा 107 रन। आखिरी 3 गेंदें बाकी हैं, अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, उठा दिया है, बहुत ऊंची हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए हैं और ये कैच छूटा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, लेकिन नहीं, रोक लिया गया है गेंद को सीमा रेखा के अंदर, और ये विवाद हो रहा है, देखते हैं क्या हुआ है। वहाँ पर देखा जा रहा है कि फील्डर का पैर बाउंड्री के बाहर गया नहीं, एम्पायर ने जाकर देखा कि सीमा रेखा के बाहर गेंद बाहर नहीं गई, 2 रन नहीं मिले हैं। भागीत की अगली गेंद, आनंद को बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी और कराने का प्रयास, कोई मौका नहीं बैट्समैन के पास खेलने का। पारी की आखिरी गेंद है ये, अगली गेंद, ड्राइव कर दिया गेंद को, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, दो दो फील्डर आ चुके हैं, अच्छी फील्डिंग वहां पर, और दौड़कर 2रा रन पूरा कर लिया है। सुजानगढ़ तहसील के भोजलाई गांव में आज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कल क्रिकेट शुरू हो चुकी है, इंग्लैंड वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है। तो सुजानगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव भोजलाई में आज क्रिकेट प्रतियोगिता बालाजी कप क्रिकेट का आयोजन किया गया है। उद्घाटन मैच इस समय खेला जा रहा है बोबासर और सारंगसर के बीच। बोबासर ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 111 रन बनाए हैं, और अब 112 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए सारंगसर के बल्लेबाज उतरेंगे। अच्छा स्कोर कहा जा सकता है, क्योंकि विकेट जो है पूरी तरह से बल्लेबाजों के लिए है, इसलिए इस स्कोर को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। क्रिकेट की लाइव कमेंट्री हो रही है, विकास तिवारी और जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी सुनील तिवारी कमेंट्री कर रहे हैं यहां पर। विकास चुरू जिले के जाने माने तेज गेंदबाज रहे हैं, तो सुनील बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं, त्रिभुवन लाटा स्कोरिंग कर रहे हैं, और इस समय सारंगसर के बल्लेबाज क्रीज पे आ चुके हैं, अशोक स्ट्राइक पे हैं, भीष्म नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं, बोबासर की तरफ से आक्रमण की शुरुआत कर रहे हैं राकेश, गेंद को सैनिटाइज किया जा रहा है। दर्शकों को बता दूं 112 का लक्ष्य, 111 रन बनाए थे पहले खेलते हुए 12 ओवर में बोबासर ने, सारंगसर के सामने 112 का लक्ष्य है। राकेश पहली गेंद लेकर लेग स्टंप के बाहर,
वाइड का इशारा, दिशा भटकी हुई पहली गेंद राकेश की, एक्स्ट्रा के साथ खाता खुला है। राकेश तैयार एक बार फिर, पहली गेंद उनकी वाइड थी, खाता खुला एक्स्ट्रा के साथ। अशोक सामना करेंगे राकेश की गेंद का, लेक्सम के बाहर फिर से गेंद, जोरदार अपील वहां पर, लेकिन पैर से टकराई थी गेंद, अनमूड रहे, कोई इशारा नहीं किया एम्पायर ने। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से खड़े रहे विकेटों के सामने, गेंद को टकराने दिया अपने शरीर से। राकेश रन अप चुके, अगली गेंद लेक्सम के बाहर उछाल दिया, गेंद जा रही है खेजड़ी के ऊपर से बाउंड्री की तरफ, लेकिन खेजड़ी से रुक गई थी गेंद, एक रन मिलेगा। यही तो राजस्थान की खासियत, गांव में मैदान में वृक्ष होते हैं, देखिए ये बड़ी खेजड़ी मैदान के अंदर है, यूं कहूं तो दुनिया का सबसे बड़ा फील्डर है ये इस समय, क्योंकि बीच मैदान में है, और अगर गेंद रुक जाती है तो किसी तरह की रोक नहीं है, इसको फील्डरी माना जा रहा है, और ये फील्डर सब टीमों के लिए है खेजड़ी के रूप में। ऑल एक्सम के बाहर गेंद थी इस बार, फिर से वाइड का इशारा, खराब गेंदबाजी पर है गुरुदत्त स्वामी और नौरंग बुगालिया। राकेश की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, अपील हुई थी लेकिन विकेट कीपर ने ड्रॉप कर दिया था कैच, राइट हैंड ओवर द विकेट, और पुल कर दिया गेंद को। इस बार गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, थोड़ा मिसफील्ड हुआ लेकिन दूसरे प्रयास में रोका। स्कोर पहुंचा है 4 रन, पहला ओवर चल रहा है, 112 का लक्ष्य है। केस राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक ढंग से पुश किया गेंद को, कवर्स में कोई रन नहीं। पहले ओवर के बाद स्कोर है 4 रन, 112 का लक्ष्य है सरंग के सर के सामने। आज के ले आ रहे हैं कप्तान कान सिंह, चांद सिंह, चांद सिंह गेंद करेंगे विस्म को। बहुत अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, चुके खेलने के प्रयास में। अगली गेंद ऑफ स्टंप पे उछाल लेती हुई गेंद, शानदार गेंदबाजी, कोई मौका नहीं बैट्समैन के पास, विस्म को मौका नहीं दे रहे हैं खेलने का। अगली गेंद ओ बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पे बल्ले के करीब से निकल गई, बाल बाल बचे बैट्समैन, बेहतरीन गेंदबाजी। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन इस बार वाइड का इशारा करते हुए अपील कर रहे हैं वहां पर, गेंदबाज कोर्ट बैंड की अपील कर रहे हैं। गेंदबाज ने वाइड बचाने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुए, हालांकि उनको पूरा विश्वास था कि गेंद बल्ले से लगी है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही थी। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंदबाजी, तेज कदमों से एक रन पूरा करते हुए जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। चांद सिंह अगली गेंद, इनसाइड एज लगा है और रन लेना चाहते थे, वापस दौड़ कर आए हैं, कोई रन नहीं मिला। आई गेंद की और पुल कर दिया, गेंद जा रही है इसको लेक्सी मारेखा के बाहर, 4 रन के लिए पहला चौका इस पारी का सारंग सर के बल्लेबाज अशोक ने लगाया। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 10 रन, लक्ष्य है 12 ओवर में 112 रन बनाने का। केस एक बार फिर तैयार, गेंद करेंगे विस्म को। हाई गेंद की बहुत अच्छी गेंद, विकेट के ऊपर से निकल गई, शानदार गेंदबाजी। मैं कहूंगा बल्लेबाज ब्लाइंड हिटिंग कर रहे हैं, बिना देखे बल्ला घुमा रहे हैं, आनंद फानंद बना घुमाते हुए, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी गेंद हवा में, वहां पर आउट होने का खतरा, फील्डर गेंद के नीचे आ चुके हैं और आउट, 20 आउट होकर जा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी का इनाम मिला राकेश को, अच्छा विकेट प्राप्त किया उन्होंने भीष्म का। अशोक सामना करेंगे, कैच के दौरान स्ट्राइक चेंज हो गई थी। राकेश आई गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर, खेलने का प्रयास नहीं किया, जाने दिया विकेट कीपर के पास। अगली गेंद ड्राइव किया, बहुत सुंदर शॉट, 4 रन के लिए। ओवर पिच गेंद थी, ऑन द राइज खेला अशोक ने, खूबसूरती के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर, गोली की तरह दन दनाती हुई, 4 रन के लिए। 15 रन और नो बॉल है, ये फ्रीट का मौका है लेग स्टंप के बाहर, और इस बार वाइड का इशारा, अभी भी फ्रीट कायम है। स्कोर है 16 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। अगली गेंद और इस बार हवा में कैच, लेकिन ये फ्रीट था, विकेट नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रीट था ये। राकेश की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से चुके खेलने के प्रयास में, शानदार गेंदबाजी राकेश की, राइट आर्म राउंड द विकेट। राकेश की अगली गेंद
और इस बार निकाल दिया, कोई मौका नहीं इस पे लेक्सी मारेका की तरफ। फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं कप्तान चांद सिंह, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। और एम्पायर ने इशारा बदला है क्योंकि एक ही रन मिला है, बाउंड्री के बाहर नहीं की थी। आउटफील्ड इतना धीमा था कि इतना अच्छा शॉट भी एक रन में बदल गया। कप्तान चांद सिंह फिर से आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। अशोक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि जहाँ पर चौका मिलना चाहिए था एक ही रन मिला उनको। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद चूके पूरी तरह से, अच्छी गेंदबाजी करते हैं कप्तान चांद सिंह। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से खेलने पर मजबूर किया बल्लेबाज को, शानदार गेंदबाजी चांद सिंह की। था ओवर चल रहा है, केवल 17 रन बने हैं, बहुत पिछड़ रही है यहाँ पर। बल्ले का बारी किनारा और आउट, बहुत अच्छी गेंदबाजी कप्तान की। वासर के कप्तान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज राधे श्याम आ रहे हैं। बहुत ख़राब स्थिति है इस समय सारंग सर की। आसमान में बादल छा रहे हैं, बादलों और सूरज के बीच में लुका छुपी का खेल चल रहा है इस समय। धूप मैदान से गायब है और काफ़ी गहरे बादल आ रहे हैं इस समय। श्रावण का महीना चल रहा है और देखिए धूप मैदान से गायब है। फिर कहूँगा लुका छुपी का खेल चल रहा है सूर्य और बादलों के बीच, वहीं क्रिकेट का खेल चल रहा है सारंग सर और बोबा सर के बीच। चांद सिंह आई गेंद की, ओ चोट लगी है चेहरे पर जाके टकराई गेंद। ये देखिए काफी तेज गेंद थी, बैट्समैन को चोट लगी है चेहरे पर। यही तेज गेंदबाज का हथियार होता है, बाउंसर मारा था। राधे श्याम को चेतावनी दी आते ही कि सावधान रहिए मुझसे। अगली गेंद ड्राइव किया लेकिन मिड ओवर पर फील्डर मौजूद। बहुत अच्छी गेंदबाजी करें कप्तान चांद सिंह और उछाल दिया हवा में गेंद है, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखते हैं लपक पाते हैं नहीं। और ये कैच छूटा, छक्के का इशारा। स्कोर पहुंचाते 20 रन, चोट लगने के बाद छक्का लगाया है यहां पर राधे श्याम ने। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 23 रन, 112 का लक्ष्य है सारंग सर के सामने। राकेश गेंद की बल्ले के करीब से निकली और वाइड का इशारा एम्पायर का। स्कोर है 24 रन, एक और बन चुका है 25 रन एक्स्ट्रा के साथ। अगली गेंद और इस बार धकेला गेंद को, एक रन आसानी से चहल कदमी करते हुए पूरा किया। स्कोर पहुंचा 26, स्कोर पहुंच चुका है एक विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर चल रहा है, अगली गेंद बल्ले का किनारा लिया और आउट। राधे श्याम आउट होकर जा रहे हैं, शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर। सारंग सर की टीम पूरी तरह से पिछड़ रही है, बोबा सर की शानदार गेंदबाजी। सारंग सर के कप्तान आ रहे हैं खेलने के लिए, उमेश तीसरा विकेट गंवा दिया है यहां पर सारंग सर ने। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है मैदान पर। राकेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप पर गेंद, जिसको निकाल दिया है, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन मिलेगा। स्कोर है 26 रन, तीन विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद और बल्ले का किनारा लगा, जोरदार अपील, ये वाइड का इशारा किया है राकेश। खराब गेंद, डेड बॉल, विकेट के बाहर गिरी। राकेश आई गेंद की अगली गेंद और ये आसान कैच वहां पर, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे पहुंच चुके हैं और ये कैच छोड़ दिया, छूटा कैच। राकेश की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज बिल्कुल लय में नहीं लग रहे हैं, खराब बल्लेबाजी है ये। ब्लाइंड हिटिंग करने का प्रयास हो रहा है बिना गेंद को देखे और दबाव बढ़ता जा रहा है सारंग सिर पे। बहुत अच्छी गेंद और ये नो बॉल का इशारा हुआ इस बार, नो बॉल फ्रीड का इशारा। अगली गेंद बल्ले का बारी किनारा लिया, विकेट कीपर चुके, गेंद जा रही है थर्ड बेंच इमारिका के बाहर चार रन के लिए। स्कोर पहुंचा चौके के साथ 33 रन, तीन विकेट के नुकसान पर सारंग सर। पांच ओवर के बाद 33 रन है लक्ष्य है 112 का। कप्तान चांद सिंह आ रहे हैं जिन्होंने बहुत खतरनाक गेंदबाजी की है आज। फिर से धूप मैदान से गायब हो चुकी है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं लगातार कर रहा हूँ, शानदार गेंदबाजी चांद सिंह की। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे हैं चांद सिंह। अगली गेंद और इस बार बहुत करारा प्रहार, छह रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा के ऊपर से। बल्लेबाज अशोक का शानदार छक्का, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिस्त गए और उछाल के मारा गेंद को सीमा रेखा के ऊपर से छह रनों के लिए। चांद सिंह आई गेंद की, अशोक को एक और करारा प्रहार, लेकिन इस बार
गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही, फील्डर मौजूद है, एक रन मिलेगा। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, पूरी तरह से चुके खेलने के प्रयास में उमेश, लगातार आनन फानन बल्ले घुमा रहे हैं। स्कोर अटका हुआ 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, और इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, फिर से चुके, खराब बल्लेबाजी है, शरीर पे टकराई थी। कप्तान है उमेश, कैप्टन टू कैप्टन, 40 रन, बोबा सर के कप्तान, सारंग सर के कप्तान को गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। फिर चुके, पैर से लगकर गेंद जा रही है, लेकिन शायद थोड़ा बल्ला भी लगा है, एक रन दौड़कर पूरा किया है। 6 ओवर की समाप्ति पे 41 रन बने हैं और अब 6 ओवर का खेल बाकी है, बाकी बचे 6 ओवरों में 71 रनों की आवश्यकता है, 36 गेंदों पर 71 रन चाहिए, यानी 12 का औसत चाहिए। इस समय मैं आपको सुजानगढ़ तहसील के भोजलाई गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच खेला जा रहा है बोबा सर और सारंग सर के बीच। पहले बोबा सर ने बैटिंग की, 111 रन बनाए, 112 का लक्ष्य का पीछा करते हुए सारंग सर पूरी तरह से पिछड़ गई। यहां पर केवल मात्र इस समय 41 रन बने हैं, 6 ओवर खत्म हो चुके हैं, यानी आधे ओवर हो चुके हैं। अब बचे हुए 6 ओवर में 71 रनों की आवश्यकता है, 7 विकेट हाथ में, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी बोबा सर के गेंदबाज कर रहे हैं, काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वास्तव में बल्लेबाजों का प्रयास अच्छे नहीं है, खासतौर से जो उमेश कप्तान है वो ब्लाइंड हिटिंग कर रहे हैं, और जरूरत है यहाँ पर देखकर खेलने की और तेज रन बनाने की। देखते हैं इस लक्ष्य तक कैसे पहुँच पाती है सारंग सर की टीम। अनमन सिंह राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, आई गेंद की, बहुत अच्छी गेंद हवा में थी लेकिन फील्डर के पास से निकल गई, और फील्डर जब तक आए आसानी से एक रन पूरा किया। अब अशोक सामना करेंगे हनुमान सिंह का, स्कोर है 42 रन, हनुमान सिंह का ये गेंद, और स्ट्राइक ड्राइव किया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, स्टेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए स्कोर जा पहुंचा 46। तेज बल्लेबाजी की जरूरत है यहाँ पर, और अच्छा स्ट्रोक लगाया था आते ही, और फिर उछाल दिया, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के पास पहुंचने का प्रयास करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर, ये छक्के का इशारा अंपायर का, शानदार प्रयास अब सारंग सर का। अशोक ने 2 गेंदों पर 10 रन बना लिए हैं, ऐसी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहां पर जीतने के लिए। हनुमंत सिंह काफी महंगे साबित हो रहे हैं, 2 गेंदों पर 10 रन बन चुके हैं, अशोक 6 गेंदों पर 18 रन बना चुके हैं, और पूरा जिम्मा उन पर है निश्चित रूप से, अगर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे तो मैच में आशाएं जीवित हो जाएगी यहां पर। और इसी बीच अगली गेंद बाउंसर थी ये, और गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, वाइड का इशारा अंपायर का, एक रन दौड़कर भी पूरा किया गया। इस ओवर में भी 2 गेंदें हुई, 12 रन बन चुके हैं, और सारंग सर की आशाएं जीवित हो गई है इस ओवर में, खासतौर से अशोक बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कप्तान उमेश अभी लय में नहीं है, और उनका लय में आना बहुत जरूरी है सारंग सर के लिए। अगली गेंद फिर से चुके, रिवर्स खेलने का प्रयास, कप्तान उमेश की बहुत निराशाजनक बल्लेबाजी कहूंगा मैं। हनुमंत की अगली गेंद फिर चुके, शानदार गेंदबाजी, और स्टंपिंग के अपील कर रहे हैं वहां पर, कप्तान की बेहद निराशाजनक बल्लेबाजी कहूंगा मैं, लगातार बिना देखे बल्ले घुमा रहे हैं और हवा में तीर चला रहे हैं, मैं कहूंगा बिना निशाना लगाए। अगली गेंद फिर चुके, ओवर समाप्त हुआ, 7 ओवर की समाप्ति, धर्मेंद्र सिंह गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, ये गेंद वो चूके खेलने के प्रयास में, स्कोर है 54। अगली गेंद फिर से चूके, पैर से टकराई गेंद, खराब बल्लेबाजी सारंग सर के बल्लेबाजों की। धर्मेंद्र की अगली गेंद फिर से चूके, बहुत ही निराशाजनक बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी यहां पर धर्मेंद्र की, इस तरह की बल्लेबाजी से मैच जीतना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। फिर से चुके, और ये एक रन के लिए दौड़ रहे हैं, रनआउट का खतरा भी यहाँ पर, स्कोर है 55। पारी का 8वां ओवर चल रहा है, काफी मुश्किलें हैं अब यहाँ पर सारंग सर के लिए। अगली गेंद अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से पुश किया, कप्तान उमेश की रणनीति समझ में नहीं आ रही है, कभी ब्लाइंड हिटिंग करें तो कभी रक्षात्मक ढंग से खेल रहे हैं, और इस बार फिर से बल्ले का इनसाइड एज लगा, कोई रन नहीं, बहुत दबाव में खेल रहे हैं, और समाप्त हुआ 8 ओवर की समाप्ति पे, स्कोर है 55 रन, 112 रनों का लक्ष्य है, मेडन ओवर था ये।
रिंग्स मैदान पर आ रहा है, रिंग्स मैदान पे हैं और इस समय स्थिति बहुत दयनीय है सारंग सर के लिए। 24 गेंदों पर 57 रनों की आवश्यकता है। खासतौर से कप्तान उमेश बहुत निराशाजनक बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अभी भी अगर प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत रन बनते हैं इस विकेट पर। और एक पिछले ओवर की शुरुआत में पहले दो गेंदों पर 12 रन आ गए थे लेकिन उसके बाद में पुनः बल्लेबाजों ने निराश किया। अब देखते हैं इन 24 गेंदों पर ये कठिन लक्ष्य कैसे प्राप्त करती है सारंग सर की टीम। 24 गेंदों पर 57 रन की आवश्यकता है। हनुमान सिंह की गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से चुके, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। अगली गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन आसानी से पूरा किया। अगली गेंद खेलने का प्रयास किया था, पूरी तरह से चुके, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हनुमंत सिंह। ये गेंद और उठा दिया, इस बार गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, ड्राइव करने के प्रयास में पूरी तरह से चुके। बहुत ही सुंदर मौसम आप देख रहे हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं और लगातार सूर्य और बादलों के बीच लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। एक बार फिर ये गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, गेंद हवा में थी लेकिन बाउंस के बाद कोई खतरा नहीं, ओवर समाप्त हुआ इसी के साथ हनुमंत सिंह का। धर्मेंद्र आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी और शरीर से लेकर गेंद थर्ड बिन की तरफ जा रही है, दौड़कर एक रन पूरा किया गया। अगली गेंद और बहुत करारा प्रहार, 6 रन के लिए ग्रीन बाउंड्री के बाहर, इस बार छक्के का इशारा गुरुदत्त का। अब कप्तान उमेश थोड़े आत्मविश्वास पे नजर आ रहे हैं, 69 रन स्कोर पहुंचा। अगली गेंद चुके, इस बार स्टंपिंग का मौका था यहां पर लेकिन मिस कर दिया है विकेट कीपर ने। अगली गेंद ड्राइव किया है गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 रन के लिए, स्कोर 73 पे पहुंचा। उमेश अब जैसा मैं कह चुका हूँ थोड़ी लय में नजर आ रहे हैं और इस तरह की बल्लेबाजी से ही मैच अब जीता जा सकता है। धर्मेंद्र चले गेंदबाजी करने के लिए उमेश को, उमेश शानदार शॉट, थोड़ा मिस फील्ड हुआ मिड विकेट पे, एक रन आसानी से लेते हुए एक रन पूरा किया गया। स्कोर जा पहुंचा 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर लेकिन रनों का औसत जो चाहिए वो बढ़ता जा रहा है, चूंकि ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, स्कोर जा पहुंचा 75 रन। अगली गेंद उछाल दिया हवा में, आसान कैच, वहां पर कप्तान खुद पहुंच गए, ये कैच छूटा, कैच ड्रॉप हुआ और दौड़कर दूसरा रन पूरा करते हुए ये रन आउट हो गए हैं, रन आउट हो गए वहां पर अशोक। पहले जीवनदान मिला था, कैच छूटा था लेकिन योग आउट होने का ही था, रन आउट हो गए बाद में। ये देखिए हर बार बल्ले को सैनिटाइज किया जाता है। 12 गेंदों पर 36 रन चाहिए, दो ओवर में 36 रन की आवश्यकता, 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से हनुमंत सिंह गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, 18 का औसत चाहिए और इस विकेट पर बन सकता है अगर हर ओवर में 3 छक्के लगाए जाएं या 4 चौके लगाए जाएं, माफी चाहता हूँ 5 चौके लगाए जाएं। अगली गेंद चुके, आगे आ गए थे पहले से और ये स्टंपिंग कर दिए गए आउट यहाँ पर और कप्तान उमेश आउट होकर जा रहे हैं निराशाजनक बल्लेबाजी के बाद। जब लय में आए तब आउट हो गए। नए बल्लेबाज एलन लक्ष्मी नारायण आए हैं। 11 गेंदों पर 36 रन चाहिए, चुके डॉट बॉल, 10 गेंदों पर 36 रन चाहिए, मुश्किल होता जा रहा है, 10 गेंदें 36 रन। अगली गेंद और ये आसान सा हवा में कैच है, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए, हर गेंद पर चौका लगाकर ही सारंग सर मैच को जीत सकता है। 9 गेंदों पर 35 रन चाहिए। अगली गेंद चुके डॉट बॉल, अब हर गेंद पर चौका लगाकर भी नहीं जीत सकता सारंग सर, छक्के लगाने पड़ेंगे। 10 गेंदों पर 35 रन चाहिए। अगली गेंद माफी चाहता हूँ और ये उछाल दिया गेंद को 6 रन के लिए, ये छक्का, माफी चाहता हूँ 8 गेंदों पर इस समय 34 रन चाहिए थे इसलिए चौके से नहीं जीता जा सकता था लेकिन इस बार छक्का लगा दिया है। अगली गेंद केवल 1 रन,
और इस समय एक रन ऊंट के मुंह में जीरे के समान है सारंग सर के लिए। ओवर समाप्त हुआ। आखिरी ओवर में 28 रन चाहिए जीतने के लिए, यानी चौकों से नहीं जीता जा सकता। अंतिम ओवर, इस ओवर में 5 छक्के लगाए जाएं तब मैच जीता जा सकता है। औपचारिकता शेष रह गई, मैं कहूँगा बहुत मुश्किल है जीतना, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 6 गेंदें 28 रन। धर्मेंद्र राय गेंद की, उछाल दिया गेंद को, आसान कैच हो सकता है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, आउट। धर्मेंद्र एक बार फिर आई गेंद की, हो बाल बाल बजे, विकेट के बहुत करीब से निकल गई। अब असंभव है जीतना सारंग सर के लिए, 4 गेंदों पर 28 रन चाहिए। धर्मेंद्र ने अच्छी बल्लेबाजी भी की थी और अच्छी गेंदबाजी भी की है, चूँकि फिर से विकेट के करीब से निकलती हुई। बहुत निराशाजनक, बहुत खराब प्रदर्शन यहाँ पर सारंग सर का आज इस मैच में। अब सारंग सर का जीतना इतना मुश्किल है जितना 1 किलो मेंढक तोड़ना। अगली गेंद निकाल दिया है, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 1 रन के लिए। मैच बोबा सर जीत चुका है, औपचारिकताएं शेष रह गई हैं। 2 गेंदें बची हैं, 27 रन चाहिए अभी जीतने के लिए। ड्राइव किया लेकिन कोई महत्व नहीं, बेकार मेहनत की जा रही है। आखिरी गेंद बाकी है, आखिरी गेंद, बोबा सर मैच जीत चुका है, छक्का लगा दिया आखिरी गेंद पर लक्ष्मीनारायण ने, लेकिन मैच जीत चुका है बोबा सर। इसके मैन ऑफ द मैच रहे हैं धर्मेंद्र, जिन्होंने 27 रन बनाए, विकेट लिया। नॉर्थन बोरा उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दे रहे हैं। ये था सुजानगढ़ से 4 किलोमीटर दूर स्थित भोजलाई गांव से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज बालाजी क्रिकेट कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोरोना के प्रकोप में पूरे सोशल डिस्टेंस और पूरे नियमों का, कायदे कानून का पालन करते हुए आयोजन के द्वारा यहां पर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया, जिसमें आपने देखा कि करणी सिंह जी जो कि गुलेरिया सरपंच है, भोजलाई गुलेरिया पंचायत में आता है, उन्होंने गेंद खेलकर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच में यहाँ पर बोबा सर की टीम ने बहुत ही आसानी से सारंग सर को पराजित कर दिया। पहले खेलते हुए निर्धारित 12 ओवर में 111 रन बनाए, 112 रन का लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य से 19 रन दूर रहेगी सारंग सर की टीम। और शानदार गेंदबाजी की बोबा सर के गेंदबाजों ने, कोई मौका नहीं दिया और निश्चित रूप से एक तरफा मुकाबला कहा जा सकता है। ऐसे इन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। एक निवेदन आपसे, आप खेलें जरूर लेकिन पूरी सावधानी के साथ खेलें। जिस तरह से आज आयोजकों ने यहाँ पर सभी को मास्क भी बांटे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि ये संक्रमण की बीमारी है और निश्चित रूप से संक्रमण एक दूसरे के करीब आने से फैलता है, इसलिए ज़्यादा भीड़ कहीं भी मैदान पर नहीं करें और सावधानी से खेलें।